फ्लैक्स सीड यानी अलसी के ये छोटे छोटे बीज एक नजर में महत्वहीन लग सकते हैं, पर भूरे रंग के इन मुलायम बीजों के अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका उपयोग लगभग 6000 वर्षों से किया जाता रहा है, पर पिछले कुछ वर्षों में ये एक पावरफुल सुपर फूड और फाइबर के एक बड़े सोर्स के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। अलसी के ये बीज डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, त्वचा को हेल्दी बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, शक्कर खाने की इच्छा को कम करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करते हैं, कैंसर से लड़ते हैं, वजन को कम करते हैं और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा और कार्ब्स कम पाए जाते हैं। अलसी के बीजों में एक खास तरह का म्यूसिलेज गम पाया जाता है, जो पानी में घुलने वाला एक जेल जैसा पदार्थ है, जिसका हमारे पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है। म्यूसिलेज स्टमक में खाने को रोककर स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी जाने से रोकता है, जिससे पोषक तत्व सही मात्रा में और सही रूप से अवशोषित हो सके। इसके अलावा अलसी में घुलने वाले और ना घुलने वाले फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे बड़े आंत की सफाई में मदद मिलती है, वजन कम होता है और शुगर खाने की यानी कि शक्कर खाने की इच्छा में कमी आती है। हमें अपने खाने में हर दिन लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर खाने चाहिए और इसमें अलसी हमारी मदद कर सकती है। ये त्वचा और बालों को स्वस्थ रखती है। अलसी में पाए जाने वाली ALA फैट त्वचा और बालों को जरूरी वसा के साथ विटामिन बी भी उपलब्ध कराती है, जिससे सूखापन और खुश्की दूर होती है। इसके साथ ही ये मुहासों और एक्जिमा को भी खत्म करती है। इसके अलावा ये हमारी त्वचा की जनरल इम्प्रूवमेंट करती है और अलसी से आंखों के सूखेपन की बीमारी भी ठीक होती है। त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज का तेल अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अलसी के तेल में हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर के रूप में कर सकते हैं और अलसी का तेल एक बहुत ही अच्छा इसका ऑप्शन है, इसलिए हम इसके द्वारा अपनी त्वचा को हाइड्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अलसी के बीजों का उपयोग वजन को कम करने में भी कर सकते हैं, तो वेट लॉस का ये एक बहुत अच्छा साधन है। चूंकि इसमें हेल्दी फैट्स और फाइबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने से भूख का एहसास कम होता है, जिससे वजन कम करने में आसानी होती है। ALA फैट्स इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी कम करती हैं। डाइट प्लान में यदि 2 चम्मच अलसी के तेल का उपयोग सलाद और सूप के साथ किया जाए तो हमें वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। अलसी के घुलनशील फाइबर फैट और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। इसके अलावा ये गाल ब्लैडर में बनने वाले बाइल को भी रोकते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, जिससे ये बाइल शरीर के बाहर निकल जाता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अलसी के बीजों में ग्लूटेन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अलसी के बीज ग्लूटेन से मुक्त होते हैं। जिन्हें सीलियाक डिसीज है या जो ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, वे लोग अलसी के आटे का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन ग्लूटेन कंटेनिंग अनाज से मुक्ति पाई जाती है, जो कि आंतों में सूजन का कारण बनते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी का उपयोग पेलियो टाइप डाइट को यूज करने वाले लोग भी कर सकते हैं। इसे नारियल या बादाम के आटे के साथ पकाया जा सकता है। अलसी के बीजों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इनमें सभी पोषक तत्वों के साथ लिग्नेंस पाए जाते हैं, जो फाइबर से संबंधित पॉलीफेनॉल्स हैं, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाओं की रक्षा करने का गुण पाया जाता है। लिग्नेंस बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। पॉलीफेनॉल्स आंतों में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और विषैले पदार्थ शरीर के बाहर निकलते रहते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जो कि इसका एक दूसरा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद प्रभाव है। लिग्नेंस में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसलिए अलसी के बीज खाने से बार बार सर्दी जुकाम जो हो जाता है लोगों को, उनसे मुक्ति मिलती है। अलसी के बीज डाइजेशन में भी मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले फाइबर खाने को आंतों में आगे बढ़ाते रहते हैं और
ALA डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके पाचन तंत्र को हेल्दी बनाते हैं। इससे जिन लोगों को क्रॉन्स डिसीज और पाचन संबंधी दूसरी बीमारियां हो जाती हैं उनमें राहत मिलती है। इसके अलावा ये आंतों की सूजन को भी कम करते हैं। इसके अलावा अलसी में मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी आंतों में होने वाली गति को, जिसे कि नॉर्मल रिदमिक मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, उसको स्मूथली यानी कि सही तरीके से चलाता रहता है। 2 बड़े चम्मच अलसी के तेल में 5 ग्राम फाइबर और 1/5 हिस्सा RDA पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अलसी के बीज में फाइबर्स बड़ी आंत में पाए जाने वाले स्वास्थ्य वर्धक बैक्टीरिया को भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे विषैले पदार्थ हमारे सिस्टम से बाहर निकालने में मदद मिलती है। अलसी के बीजों का उपयोग कैंसर से लड़ने में भी किया जाता है। ये स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन और कोलोन कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल कैंसर रिसर्च में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अलसी के बीज खाने से स्तन कैंसर के रिस्क में कमी आती है। अलसी में पाए जाने वाले 3 लिग्नेंस आंतों के बैक्टीरिया द्वारा एंटेरोलैक्टोन और एंटेरोडायोल में कन्वर्ट होकर प्राकृतिक रूप से हार्मोन को बैलेंस करते हैं, जिससे स्तन कैंसर का रिस्क कम होता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक दूसरे लेख के अनुसार लिग्नेंस एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर की रिस्क को भी कम करते हैं। इसके अलावा अलसी में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो डिप्रेशन को कम करते हैं और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। खास तौर से अलसी का उपयोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को प्राप्त करने में किया जा सकता है। इसलिए जो लोग अलसी के बीजों का उपयोग अपने खाने में करते हैं, उनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अलसी के बीज स्तन को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। अलसी के बीजों में डोंग क्वाई की तरह ही प्लांट ईस्ट्रोजन पाया जाता है, जिसे फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं या डाइट्री ईस्ट्रोजन भी कहते हैं। मतलब ये ईस्ट्रोजन मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन और फाइटो ईस्ट्रोजन में पाई जाने वाली समानताओं के कारण स्तन के आकार को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे आपको सुंदर और आकर्षक स्तन प्राप्त होते हैं।